हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन की। ठीक है, ये जो वीडियो है ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले भी मैं एक पार्ट पढ़ा चुकी हूँ वन स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर। ठीक है, बट आप लोगों की डिमांड आई थी कि मैम आपने जो क्वेश्चन में जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन लिया है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर, मतलब जो कोनिकल जो बन रहा है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर वाला बन रहा है, और आप लोग चाहते थे कि मैं साउथ हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर का भी कवर करूं। दैट्स व्हाई मैंने इसका सेकेंड पार्ट बनाया। तो अगर आपको, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप वन स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन देखें, उसके बाद ही इस पार्ट को आप देखें। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर किया है। ठीक, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ नहीं। तो चलिए, टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है। अगर आप न्यू यूजर हैं हमारे चैनल पे तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, ड्रॉ अ वन स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, एक वन स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन का निर्माण करना है, उसे ड्रॉ करना है, जिसका आर एफ कितना गिवन है। आर एफ गिवन है 1:125 और 6:0। ठीक, स्टैंडर्ड पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री। ठीक है गाइस, एक और बात बता दूं कि स्टैंडर्ड, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है स्टैंडर्ड पैरेलल को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो एक मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया है कि स्टैंडर्ड पैरेलल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पैरेलल गिवन है जो कि है 45 डिग्री, क्लास इंटरवल 15 डिग्री दिया हुआ है, लैटिट्यूड देखिए लैटिट्यूड कितना है, 0 डिग्री टू 75 डिग्री साउथ। हम इसमें सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो हमारा प्रोजेक्शन जो था ऐसे बनता था, उसके बजाय वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इक्वेटर और ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस शेप का बनेगा। ठीक, किस तरीके से बनेगा वो अभी हम देखेंगे। तो और लॉन्गिट्यूड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दिया है 60 डिग्री ईस्ट से लेके 60 डिग्री वेस्ट तक। क्वेश्चन पूरा पहले पार्ट की तरह सेम है, बस लैटिट्यूड जो थे वहां पे, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर था, यहाँ पर इस वीडियो में सदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें स्टेप वाइज हमने सीखा था, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था रिड्यूस्ड अर्थ का रेडियस निकाला, कैलकुलेशन करेंगे आर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे स्टेप वन की। ठीक है, स्टेप वन में हम किसका कैलकुलेशन करते थे, आर का कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए आपको साफ दिखाई देगा, आर का कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, रिड्यूस्ड अर्थ का रेडियस का कैलकुलेशन करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर लिखते थे एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो एक्चुअल रेडियस है उसे लिखते थे, जो कि क्या है 6, 3, 5 और 6:0। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन में आर एफ गिवन है आप क्या करोगे, उसे नीचे लिख दोगे। तो आर एफ हमें गिवन है 1, 2, 5 और 6:0। ये तो हमारी जो ओरिजिनल अर्थ है उसका रेडियस है, ये जो है हमें जो क्वेश्चन में आर एफ गिवन है वो है। आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको, रेडियस मिलेगा 5.08 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.08 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक, ये जो आपको मिला है इसकी मदद से आप क्या करोगे, आगे स्टेप टू को ड्रॉ करोगे। कैसे, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने रेडियस लिख लिया है जो कि हमने स्टेप नंबर वन में कैलकुलेट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्या करना है हमें, 5.08 सेंटीमीटर को अपने स्केल में एक लाइन खींचनी है स्केल की हेल्प से। तो 5.08 तो हो नहीं सकता, कैसे बना लोगे 5.08। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके कितना ले लेते हैं, 5.1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5.1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है हमारा 0 से हमारे 5 पर, और ये आ गया 5.1। गाइस ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा 5.1 और ये रहा 0, हमने बना लिया। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आप इसे मार्क कर लो, ये ए है ये बी। ठीक है, लाइन वाइज मार्क करते चल रहे हम लोग। ठीक है,
इतना प्रोसेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है. किसकी हेल्प से ड्रॉ करोगे, प्रोटेक्टर जिसे आप हिंदी में चांदा कहते हो और डी भी कहते हो. तो शुरुआत करते हैं. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये दिख रहा होगा आपको, इसे आपको ए पॉइंट पे रखना है. ठीक है, रखोगे और ये जो है ये जीरो इस लाइन पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ 90 डिग्री जो लाइन है वहां सीधे पॉइंट कर लोगे. कैसे पॉइंट करोगे, ये मैंने पॉइंट कर लिया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लूंगी. क्या करूंगी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, आपको दिख रहा होगा. अब अगला स्टेप आपका क्या है कि ये जो रेडियस वाला जो मेजरमेंट है ए और बी का, उसे आप क्या करोगे, अपने कंपास पे लोगे. ठीक है, कंपास पे लिया आपने, चाहो तो स्केल से ले लो या फिर ए और बी की तो आप लाइन खींच चुके हो. तो आप यहाँ पे देखो, मैं 5.1 को अपने कंपास पे ले रही हूँ. ठीक है, सो ये रहा 5.1 पे एक रखा और यहाँ पे रखा. देखो मेरा, हालांकि मेरा सेट ही है, बिल्कुल सेट है कंपास मेरा. ठीक, और अब मैं क्या करूंगी, ए पॉइंट पे ये वाला पॉइंट रखूंगी कंपास का कुछ इस तरीके से. और क्या करूंगी, और लाइन ड्रॉ कर दूंगी, या कह लीजिए क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दूंगी. देख रहे हो आप लोग, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया मैंने, या कह लीजिए एक आर्क लगा ली. ठीक है, अब इतना काम करते ही आप लोगों को सीधे क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ानी है. नजर ये दौड़ानी है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में. अब अगला काम आता है, हमें देखना है कि क्लास इंटरवेल कितना है और स्टैंडर्ड पैरेलल कितना है. क्लास इंटरवेल 15 है, स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसे ड्रॉ करेंगे. किसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. सिंपली हम इस पॉइंट पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, देखो रख लिया. अब हमें क्या करना है, हमें क्लास इंटरवेल था 15 डिग्री गिवन था. तो यहाँ पे देखो ये रहा 10, ये क्या है 5, 15, यहाँ एक पॉइंट लगा लिया. ठीक है, ये देखिए. उसके बाद अगला हमें क्या गिवन था, स्टैंडर्ड पैरेलल. स्टैंडर्ड पैरेलल था हमारे 45 डिग्री, ये दिख रहा होगा आपको 40, और ये क्या है 5, 45. ये देखो मैंने 45 पे क्या कर लिया, टिक लगा लिया. अब क्या करोगे, ये दोनों को यहाँ पे ए से अटैच कर दोगे. कैसे अटैच करोगे, इस तरीके से कुछ, ए से आपने 15 डिग्री की लाइन और 45 डिग्री जिसे हमने स्टैंडर्ड पैरेलल कहा है उसकी लाइन खींच ली. अगला काम क्या है, फिर से अल्फाबेट को मार्क करेंगे. ये हो गया हमारा सी और ये हो गया डी. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगला काम करना है आपको बी और सी का डिस्टेंस कंपास पे लेना है. ध्यान से देखते चलिएगा, अगर आप फर्स्ट बार भी वीडियो देख रहे होंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, कि कैसे ड्रॉ करते हैं. बी और सी को हमने क्या किया, कंपास पे डिस्टेंस ले लिया, देखो ले लिया. अब मैं क्या करूंगी, ए पॉइंट पे रखूंगी, देख रहे होंगे आप लोग ये, और यहाँ पर क्या करूंगी, एक और वो ड्रॉ कर दूंगी क्वाड्रेंट, एक और मैंने आर्क लगा दी. ठीक है, ड्रॉ हो गया. अब ये हमारा क्या है, ये हमारा 15 डिग्री है, ये जो है ये हमारा 45 डिग्री की लाइन है. हमें ये जो स्टैंडर्ड पैरेलल वाली लाइन है, यहाँ से एक ऐसे एक पैरेलल लाइन बनानी है, ए बी के पैरेलल एक लाइन बनानी है. आप सेट स्क्वायर से बना सकते हो या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, स्केल या प्रोटेक्टर रखकर एक पैरेलल लाइन आपने बना ली. ठीक है, इसका नाम मैं क्या दे रही हूँ, डी डैश और डी डबल डैश. ठीक है, इतना बात आपका काम खत्म हुआ. ठीक है, अब एक लास्ट जो काम बाकी है आपका, वो ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड पैरेलल वाली ये वाली जो लाइन है डी पॉइंट, यहां से आपको एक और 90 डिग्री की लाइन बनानी है. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखा जाएगा. ठीक है, और बाकी ये वाला जो पोर्शन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा कुछ इस तरीके से. देखो ये रखा मैंने, और अब मैं क्या करूंगी, यहाँ मार्क कर लूंगी. देखो 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे मार्क करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों पॉइंट्स को अटैच कर लूंगी. ये देखो मैंने अटैच कर लिया. ठीक, अब ये जो एंगल बना है इनके बीच में, ये क्या है, 90 डिग्री है. ठीक, अब गाइस हमारा स्टेप टू कंप्लीट हो गया. अब हमें कुछ नहीं करना स्टेप टू में. ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, सही रहेगा वो. ठीक है, बेटर रहेगा. अब गाइस बात सुनने वाली, समझने वाली बात सुनिए. ये जो सीबी का जो डिस्टेंस है वो आपको क्या दिखाता है, वो आपको बताता है
लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? अर्थ पे लैटिट्यूड मतलब सिंपली याद रखो लेटी हुई रेखा है, वो इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है, जैसे इक्वेटर, फिर इस टाइप से जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। सीबी का डिस्टेंस हमें लैटिट्यूड बताएगा, ठीक है। और ये जो डी डैश और ये डी डैश और डी डबल डैश का ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? इधर ही देख लो, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जैसे कि वो हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल लाइन जो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो है ये लॉन्गिट्यूड्स है। तो हम लोगों को क्या करना है, सीबी हमें लैटिट्यूड्स बताएगा और जो हमारा डी डैश और डी डबल डैश है वो हमें लॉन्गिट्यूड्स बता देगा। तो आप पूछोगे फिर मैंने ये इस लाइन का मेरे को क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि ये हमें स्टैंडर्ड पैरेलल बताता है। स्टैंडर्ड पैरेलल मतलब कि हम लोग कोन शेप की बात कर रहे हैं ना, कोनिकल प्रोजेक्शन, तो कुछ इस तरीके से हम कोन, इस तरीके से कुछ कोन रखते हैं हम अपने अर्थ पे, ये ग्लोब पे। तो किस पॉइंट पे अर्थ का सरफेस और उस पेपर वाले कोन का सरफेस टच होता है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है? स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया हुआ है, तो उसकी मदद से हम स्टैंडर्ड पैरेलल मार्क करेंगे, ठीक है, डी और ई की मदद से। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप थ्री में आपको क्या करना है? स्टेप थ्री से पहले, बताने से पहले आपको सिंपली लाइक करते जाइएगा और साथ ही साथ में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा गाइज, क्योंकि आपके डिमांड पे ये वीडियो बन रही है। तो चलिए स्टेप थ्री में करना क्या है आपको? सिंपल एक लाइन खींचनी है। क्या करना है? एक लाइन मैंने सिंपल खींच ली, ठीक है, सिंपल लाइन खींच ली। उसके बाद क्या करना है मुझे? स्टैंडर्ड पैरेलल दैट मीन्स डीई को अपने कंपास पे लेना है। कैसे? ऊपर चलते हैं स्टेप टू में। स्टेप टू की हेल्प से ही हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो डीई डिस्टेंस है जो कि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है, उसको हमने डिस्टेंस कंपास पे ले ली, ठीक है। लेने के बाद फिर से आना है, हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमेशा याद रखो ऊपर हो तो नॉर्थ है, नीचे हो तो साउथ है। तो हम लोग हमेशा यहां से शुरू करते थे पहली वीडियो में, नॉर्थ बनाने के लिए हम लोग इस पॉइंट पे कंपास रख के आर्क लगाते थे, बट यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपास रखेंगे साउथ पोल पे, ठीक, और क्या करेंगे? एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कर दिया मैंने आर्क ड्रॉ, ठीक। यहाँ पे उसके बाद आप क्या लिख लो? एस लिख लो, मतलब साउथ पोल, समझ आ गया, ठीक है। और ये जो है ये 45 डिग्री की लाइन है, अपने कन्वीनियंस के लिए तो चाहो तो लिख सकते हो 45 डिग्री। अब आपने स्टैंडर्ड पैरेलल बना दी, अब आपको क्या बनाना है? अब आपको बनानी है बाकी लैटिट्यूड्स। बाकी लैटिट्यूड्स बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्लास इंटरवल वाला डिस्टेंस जो कि क्या है? सीबी है। तो मैं क्या करूंगी, सीबी को अपने कंपास पे ले लूंगी। ये देखो सीबी का डिस्टेंस मैंने अपने कंपास पे ले लिया, वापस से हम प्रोजेक्शन पे आएंगे, स्टैंडर्ड पैरेलल के ऊपर कंपास रखेंगे, ठीक है, और आर्क लगाएंगे। अब एक और सवाल उठता है कि हम आर्क कितने लगाए, कितने कितने आर्क, से तो नहीं कि अपने मन से आर्क लगाते चले जाएंगे, कितने आर्क लगाए उसके लिए भी हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें देखो लैटिट्यूड 0 से 75 डिग्री साउथ दिया हुआ है, मतलब कि हम इक्वेटर से 75 डिग्री पोल पे पढ़ेंगे, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली लिख लो, नहीं आसान करने के लिए लिख लो 0, ठीक है, 15 डिग्री का क्लास इंटरवल है, 15-15 डिग्री के अंतराल में, 0 के बाद 15, ठीक है, 15 में और ऐड करो, ठीक है, 15 तो कितना हो जाता है? 30, उसके बाद कितना होता है? 45, उसके बाद होता है 60, उसके बाद होता है 75। हमें कहाँ तक जाना है? 75 तक जाना है, 15-15 डिग्री का क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। हमने क्या कर रखा है? हमने सीबी की डिस्टेंस को अपने कंपास पे ले रखा है, ठीक है। बस अब हमें देखना है कि हमें आर्क कितने लगाने हैं, ठीक। 45 डिग्री हमारे पास है, ठीक, और हमें क्या करना है? उसके इक्वेटर की तरह बढ़ना है, दैट मीन्स हम साउथ पोल में, जैसे कि है ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा साउथ पोल है, तो अगर आपको इक्वेटर की तरफ बढ़ना है तो आप इस तरफ बढ़ोगे, है ना। तो सिंपली 45 है तो आप 30, 15 और 0, मतलब 3 आर्क लगाओगे इस तरफ की ओर, ठीक है। ये मेरा सीबी का डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने पहला आर्क लगाया, ठीक है, 3 लगाऊंगी मैं। ये था मेरा 30 डिग्री का आर्क, ये मेरा 15 डिग्री का आर्क, और ये मेरा 0 डिग्री का आर्क, दैट मीन्स इक्वेटर तक मैं पहुंच चुकी हूँ, ठीक।
अब यहाँ पे देखो 45 के बाद अब हमें ऊपर साउथ पोल की तरफ बढ़ना है, तो मतलब 45 के बाद 60 और 75, 45 तो हमने स्टैंडर्ड पैरेलल लगा ही रखा है। यहाँ पे देखो 45 के बाद ये आ जाता है क्या हमारा 60, उसके बाद यहाँ पे रखो ये आ जाता है हमारा 75। ठीक, हमने बना लिया 75 तक हम पहुंच गए और ये है हमारा 90 डिग्री पोल। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सबको आर्क को ड्रॉ कर लेना है। किस तरीके से, जैसे ये पॉइंट है ऐसे करके पूरा आर्क बना लेना है। सॉरी, हाँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपली इस पोजीशन पे रख के आपको सारे आर्क को ड्रॉ कर लेना है। तो अब हम बनाना सीखेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आपको 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट तक का एक्सटेंशन, मतलब 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट तक लॉन्गिट्यूड को शो करना है। ठीक है, तो ये जो मेन है हमारा, ये क्या है, जीरो, जीरो मान लेते हैं इसको। ठीक है, जीरो मेरिडियन। ठीक है, ये मेरिडियन है, तो यहां से आपको 60 डिग्री वेस्ट ड्रॉ करना है और यहां से 60 डिग्री ईस्ट ड्रॉ करना है। जिसका क्लास इंटरवल 15-15 का रहेगा। जीरो आपकी पहले ही बन चुकी है, तो आपको 1, 2, 3 और 4, मतलब 15, 30, 45 और 60 का आपको आर्क लगाना है। अब आप बोलेंगे आर्क तो लगा लें, पर डिस्टेंस क्या लेंगे। डिस्टेंस के लिए स्टेप टू की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप टू में देखिए आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था डी डैश और डी डबल डैश जो है वो हमें लॉन्गिट्यूड का बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस को कंपस पे मेजर करेंगे। कर लिया हमने मेजर, अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा स्टेप थ्री की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 4 आर्क लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, स्टैंडर्ड पैरेलल की लाइन पे। गाइस इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिए कि आपको 45, दैट मींस कि जो आपका क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पैरेलल है उसी के ऊपर आपको आर्क लगाना है, किसी पे भी नहीं लगा देना है। तो सबसे पहला ये लगेगा आर्क, ठीक है, 15, और फिर 15 और ऐड करो 30, 30 में 15 और ऐड करो 45, 45 में और ऐड करो 60, और हमें कहाँ तक दिखाना है, 60 डिग्री वेस्ट। हमने वेस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री बना लिए हैं। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इधर भी ऐसे ही करेंगे। कैसे, यहाँ देखो 15, ठीक है, 15 के बाद यहाँ पे आ जाता है सेमी पॉइंट, रखो ये हो जाता है हमारा 30, फिर 45, उसके बाद 60। ठीक है, हमने 60 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री ईस्ट बना लिया। अब बचता है हमारा आखिरी काम, जो कि क्या है, अटैच करना लाइन को। ठीक है, पोल से आप जो सदर्न पोल है, ठीक है, साउथ पोल, उससे आप क्या करोगे, इसको टच करते हुए, इस पॉइंट को टच करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस। ठीक है, आपको साफ नहीं दिखा होगा, ये देखो इस टाइप से। सिमिलरली इधर भी देखिए, पोल से लेकिन वो लाइन टच होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे किया, उसके बाद फिर यहाँ पे किया, उसके बाद फिर यहाँ पे किया। ठीक है, सिमिलरली इस पोर्शन में जल्दी से कर लेते हैं। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, हमने ये पूरा ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब क्या बचती है, ये जो स्टैंडर्ड पैरेलल की जो लाइन है उस पे आप लोग स्टैंडर्ड पैरेलल लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड पैरेलल। देखो यहाँ मैंने 45 डिग्री की जो लाइन है उस पे स्टैंडर्ड पैरेलल लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी ये एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं इन सबको आप रब कर लीजिए। रब कर लिया है, अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्शन हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। बस हमें क्या करना है, सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है, ये जो है ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। ठीक, साउथ पोल से हमें कहाँ जाना था, इक्वेटर से 75 डिग्री तक जाना था, जो जो कि यहाँ पे हमारा क्या है, 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल है। ठीक है, इक्वेटर जीरो, ठीक है, 15 डिग्री का क्लास इंटरवेल है, 15 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, उसमें और 15 ऐड करो 45, जो कि हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल है, उसके बाद फिर आ जाएगा 60 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा 75 डिग्री।
यहाँ पे हर जगह पे आपको क्या करना है, साउथ मेंशन करना है, ठीक है, साउथ। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें लैटिट्यूड तो हमने दिखा दिया, जितना हमें क्वेश्चन में गिवन था लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड हमें 60 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट दिखाना था, ठीक है। बीच वाला जो है हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री ई वेस्ट, सॉरी वेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री के बाद 30 डिग्री वेस्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका 45 डिग्री वेस्ट, एंड लास्ट वन 60 डिग्री वेस्ट। आपने 60 डिग्री वेस्ट दिखा दिया, अब आपको सिमिलरली ईस्ट भी इसी तरह दिखाना है आपको। यहाँ पे देखो, 15 डिग्री ईस्ट, फिर 30 डिग्री ईस्ट, फिर 45 डिग्री ईस्ट, एंड लास्ट वन इज व्हाट, 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये जो हमारा जो तैयार हो गया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो हमें गिवन था कि लैटिट्यूड आप 0 डिग्री से 75 डिग्री दिखाइए साउथ, 75 डिग्री साउथ, तो 0 डिग्री से हमने 75 डिग्री साउथ दिखा दिया, ठीक है। और दूसरी चीज हमसे क्या क्वेश्चन में पूछी गई थी, लॉन्गिट्यूडनल आप बताइए 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट। तो हमने लॉन्गिट्यूड्स, देखो लॉन्गिट्यूड खड़ी वाली रेखाएं हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट तक दिखा दिया। और ये जो हमारा जो है, ये प्रोजेक्शन सदर्न हेमिस्फेयर का बन के तैयार हो गया। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जैसे हम सिंपल प्रोजेक्शन बनाते थे उसको हमने क्या करा है, उल्टा बना दिया है, ठीक, बस और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी था ये। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से मेल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।